माननीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय कल्याण सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आए और माननीय मोदी जी को आमंत्रित कर। माननीय कल्याण सिंह जी, इस ताप में
आप जो तपस्या कर रहे हैं मैं आपकी तपस्या कभी बेकार नहीं जाने। भाई बहनों, चुनाव तो हमने बहुत देखे हैं, मुझे पहले भी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में काम करने का सौभाग्य मिला है, लेकिन भाइयों बहनों अभी जो माहौल है पूरे देश में, मैंने कहा था जब चुनाव घोषित हुए तो मैंने कहा था ये आंधी है, आंधी लेकिन जैसे जैसे मतदान का दिवस नजदीक आता है ये आंधी सुनामी में बदल गई है। भाई अब सबका बचना मुश्किल है, सबका मतलब स यानी सपा, ब यानी बसपा, का यानी कांग्रेस, सबका बचना मुश्किल है। भाइयों बहनों, ये चुनाव देश की जनता सिर्फ दिल्ली की सरकार बदलने के लिए नहीं लड़ रही, देश की जनता सरकार में बैठे हुए लोग, देश को लूटने वाले लोग, चाहे लखनऊ में हो या दिल्ली में हो, इनको सजा करने के मूड में। भाइयों बहनों, पहले वाले दौर के जितने मतदान हुए 232 सीटों का मतदान हो चुका है, और मैं विश्वास से कहता हूं कि पहले चरणों में जिन 232 सीटों पर मतदान हुआ है वहां के मतदाताओं ने दिल्ली सरकार की तो विदाई कर दी है, उनका तो मृत्युगंध बच चुका है। अब जो मतदान बाकी है उनके जिम्मे है मजबूत सरकार बनाना, सरकार को निकालने का काम पहले वालों ने कर दिया, नई सरकार की मजबूत नींव डालने का काम कर दिया, अब आपका काम है मजबूत सरकार बनाना। आप मुझे बताइए भाइयों, क्या राजनीति का अपराधीकरण आपका भला करेगा? ये गुंडागर्दी करने वाले लोग अगर राजनीति को चलाएंगे तो देश का भला होगा? क्या ये गुंडागर्दी खत्म होनी चाहिए? भाइयों बहनों, जब कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे सारा हिंदुस्तान एक बात के लिए चर्चा करता था कि उत्तर प्रदेश को ऐसा मजबूत नेता मिला जिसने उत्तर प्रदेश को अपराध से मुक्त करने का बीड़ा उठाया। आज वहां कल्याण सिंह जी का वो काम मुझे पूरा करना है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। देश की राजनीति में से अपराधीकरण, इस पर भाषण देने से बात बनेगी नहीं, सीना तान के फिरना पड़ेगा और मैं फिरने के लिए तैयार हूं। भाइयों बहनों,
भी पार्लियामेंट के मेंबर चुन करके आएंगे, वो किसी भी दल के क्यों न हो, भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, सपा के हो, बसपा के हो, किसी भी दल के। मैं किसी का गोत्र नहीं देखूंगा, कौन किस दल का है मैं नहीं देखूंगा, और जिनके भी नामांकन पत्र में उन पर कितने केस दर्ज है लिखा है उन सब की लिस्ट अलग करूंगा। और सुप्रीम कोर्ट को कहूंगा एक साल के भीतर भीतर इनके सारे फैसले हो जाए, गुनहगार जेल चले जाए, गुनहगार पार्लियामेंट में नहीं बैठ पाएगा वो जेल चले जाए, और ऐसे गुनहगार उनकी सीटें खाली हो जाएगी, उपचुनाव आएगा, नए सज्जन लोग जीत करके आएंगे और पार्लियामेंट का शुद्धिकरण हो जाएगा। आप मुझे बताइए ये काम मैं करूं कि न करूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुसीबत झेल के भी करना चाहिए कि नहीं चाहिए, सरकार रहे या न रहे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मिजाज है मेरा। वरना ये देश चलता ही रहेगा। भाई बनो, अब देश ऐसे नहीं चलेगा, बहुत हो चुका, बहुत बर्बादी हो चुकी है, रोते बैठते रहने से देश नहीं चलता है। भाई बनो, कांग्रेस के नेता को पत्रकार ने पूछा, इन दिनों के पत्रकार भी बड़ा मजा लेते हैं, उनको भी बड़ा आदत जाता है, कोई भी सपा वाला मिले, बसपा वाला मिले, कांग्रेस वाला मिले तो पूछते हैं कि मोदी की लहर है आपको क्या लगता है। जैसे ही पत्रकार इनको पूछता है मोदी की लहर है तो उनको तो ऐसा लगता है जैसे बिच्छू ने काट दिया, और ऐसे तिल मिला जाते हैं। एक नेता ने तो बोल दिया मोदी लहर नहीं है, मोदी जहर है। नेताजी कांग्रेस के विदेश में पढ़ लिख करके आए हो, अपने आप को बड़े बुद्धिमान मानते हो, मैं आपके इस आरोप को स्वीकार करता हूं, मोदी लहर नहीं है मोदी जहर है, लेकिन ये जहर लूटने वालों के लिए है, ये जहर चोरों के लिए है, ये जहर बदमाशों के लिए है, और यही जहर है जो शुद्धिकरण लाएगा। भाई बहनों, मेरे नौजवान मित्र, बताइए आप, ये 10 साल से दिल्ली में मां बेटे की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में बाप बेटे की सरकार चल रही है, उसके पहले बहन जी की सरकार चल रही थी, ये बहन जी हो, ये बाप बेटा हो, ये मां बेटा हो, 10 साल में आपका भला हुआ है? सब लोग मुझे बताइए आपका भला हुआ है, आपकी जिंदगी में बदल आया है, आपके परिवार का भला हुआ है, आपके गांव का भला हुआ है, आपके बुजुर्गों का भला हुआ है, किसानों का भला हुआ है? इसके लिए जिम्मेवार कौन, इसके लिए जिम्मेवार कौन? क्या ऐसे लोगों को निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए? भाइयों बहनों, ये मां बेटे की सरकार
आपके आंख में ऐसे दूर झोंक रही है, ऐसे दूर झोंक रही है। 2009 में ये मां बेटे ने वादा किया था कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। मैं जरा पूछना चाहता हूं, ये मां बेटे ने वादा किया था आपको रोजगार देने का, आपको रोजगार मिला है? आपको रोजगार मिला है? आपके परिवार में किसी को रोजगार मिला है? आपके गांव में किसी को रोजगार मिला है? आपके अड़ोस पड़ोस में किसी को रोजगार मिला है? भाई जी बहनों, ये आपसे धोखा करते कि नहीं करते? ये आपसे धोखा करते कि नहीं करते? आपका वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? जिन्होंने आपका वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे? भाई जी बहनों, एक कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, वे अपने आप को जनता को जवाबदेह नहीं मानते, वे अहंकार के साथ में आसमान पर बैठे, अपने न कामों का हिसाब देते हैं न अपने पापों का हिसाब देते हैं। आइए बहनों, यहां इस पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई जादूगर है क्या जिसके जेब में 1 लाख रुपया हो, 10वीं कक्षा तक पढ़ा हो और 3 साल में 300 करोड़ रुपया कर दे, ऐसा कोई जादूगर है क्या? भाइयों बहनों, ऐसा कोई जादूगर है जो 1 लाख रुपया का 3 साल में 300 करोड़ कर दे? ये रुपये किसके हैं? ये रुपये किसके हैं? ये लूट किसने की? ये पैसे जनता जनार्दन के हैं, ये रुपये लूटे गए हैं। भाइयों बहनों, मैं जनता की पाई पाई वापस लाना चाहता हूं, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। भाइयों बहनों, ये बात निश्चित है, अब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली, ये बात निश्चित है, भाजपा और एनडीए के लोग बहुत बड़ी तादाद में जीत करके आने वाले हैं। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? मुझे जवाब दीजिए आप, कैसी सरकार चाहिए दिल्ली में? कैसी सरकार चाहिए दिल्ली में? कैसी सरकार चाहिए? अरे मेरे दोस्तों, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं किसकी सरकार चाहिए, मैं पूछ रहा हूं कैसी सरकार चाहिए? क्या दिल्ली में मरी पड़ी सरकार चाहिए, सड़ी हुई सरकार चाहिए, अस्पताल में पड़ी सरकार चाहिए, मां बेटे के ऑक्सीजन पर चलने वाली सरकार चाहिए? भाइयों बहनों, इतने बड़े देश को चलाने के लिए दिल्ली में मजबूत सरकार चाहिए, और मजबूत सरकार बन सकती है उत्तर प्रदेश की मदद से। उत्तर प्रदेश अगर नहीं बनाएगा मजबूत सरकार तो नहीं बन सकती। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस बार उत्तर प्रदेश के सारे कमर दिल्ली भेज दीजिए भाई। इस बार सपा बसपा कांग्रेस के सबका खाता ही नहीं खुलना चाहिए, आप मुझे मजबूत सरकार दीजिए, मजबूत इरादों वाली सरकार दूंगा, मजबूत कदम उठाने वाली सरकार दूंगा, मजबूती से देश को
आगे ले जाने वाली सरकार दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर बटन दबा करके भाई राजवीर जी को विजयी बनाइए। भारत माता की मोदी जी को सुना और मैं समाज की समाप्ति की घोषणा करूंगा।